सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आइए एक नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके ब्लॉगर संजू लेकर आ रहा है एक नया वीडियो। और देख सकते हैं, अभी मैं अपने गांव के ठीक नीचे पर खड़ा हूं और यहां से ठीक ऊपर को देख सकते हैं। ये जो आपको सामने को दिख रहा है, यह है मेरा गाँव और इस गाँव का नाम है दिगड़ा मुआनी। तो देख सकते हैं, यह मेरा गांव है और यहाँ से ठीक जो ये लोकेशन दिख रही है आपको यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पर मेरा घर है। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर को है मेरा घर। तो आज मैं अभी निकल रहा हूँ मार्केट की तरफ को, करीब शाम का 5 बजा हुआ है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये मेरे गाँव का लोकेशन है और आज की वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस लोकेशन पर किसानों के द्वारा यहाँ पर अभी धान की खेती की गई है और देख सकते हैं, और बीच में मक्का भी लगाया गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ का सुंदर सा लोकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ठीक सामने की तरफ यहाँ पर एक टावर दिख रहा है। देखिए, इस टावर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पर यहाँ पर एक माता रानी का भव्य मंदिर है, माँ भगवती का। तो आने वाले समय में इस माँ भगवती के भव्य मंदिर और माँ भगवती का दर्शन मैं इस अपने YouTube चैनल यूके ब्लॉगर संजू के माध्यम से प्रयास करूँगा और लेकर आऊँगा इस मंदिर का भव्य लोकेशन। तो देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा दूर है। ये देखिए, यहाँ पर मंदिर का गेट दिख रहा है और ठीक सामने की तरफ टावर। तो साथियों, मैं प्रयास करूंगा आने वाले समय में कि इस माता रानी के भव्य मंदिर को इस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आऊं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे गांव के लोकेशन को दिखाते हुए अब मैं निकल रहा हूं मार्केट की तरफ को। और देख सकते हैं साथियों, ये देखिए मेरे ठीक सामने की तरफ मक्के, और यहाँ पर हमारे गांव में मक्के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान बंदर यहाँ पर पहुँचा देते हैं। कल मैं दिन में घर आ रहा था खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर बंदर मक्कों के पेड़ों को तोड़कर फेंक रहे थे, तो फिर मैंने बंदरों को भगाया। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए अमरूद, ये अमरूद का जो फल है, यहाँ पर अमरूद भी काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे गांव में, और अमरूद यहाँ पर लग चुके हैं, छोटे छोटे दाने देख सकते हैं, ये अमरूद के दाने और ये अमरूद के पेड़, काफ़ी सारे पेड़ होते हैं अमरूद के यहाँ पे। और अब हम निकलते हैं यहाँ से मार्केट की तरफ को, और यहाँ से ठीक इस रास्ते से होते हुए हम निकलेंगे मार्केट की तरफ को। तो बने रहिए साथियों, अभी देखिए क्या देखने को और क्या दिखाने को मिलता है इस ब्लॉग के माध्यम से। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यहाँ से नीचे की तरफ देखिए मार्केट को निकलने के लिए रास्ता है, और रास्ते के किनारे पे देखिए अच्छी हरी भरी घास यहाँ पर जमी हुई है। देखिए ये घास है चारों तरफ, और पहाड़ का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो देख सकते हैं बेहतरीन लोकेशन अभी दिख रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर कल से बारिश चल रही थी और आज करीब 1:30-2 बजे तक बारिश थी, और उसके बाद बारिश अभी रुक चुकी है, अभी आ चुकी है धूप। और मैं भी अभी चल रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि मैंने करीब 2 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा था, और मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग शूट करूं और आप सभी को भी दिखाऊं। और मैं भी मार्केट की तरफ को अभी निकल रहा हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और सामने को देखिए बादल अभी यहां पे लगे हुए हैं, और कुछ बहुत कोहरा भी आपको दिख रहा है। देखिए अब काफ़ी अच्छा मौसम दिख रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर पहाड़ी करेले भी लगे हुए हैं, और ये तोरी, ये तोरी, देखिए बहुत ही सुंदर शाम का मौसम। और ये देख सकते हैं मेरे ठीक सामने की तरफ, यहाँ पर अखरोट का पेड़ भी दिख रहा है। और देखिए पहाड़ों में सब फल यहाँ पर मिल जाते हैं देखने को और यहाँ पे खाने के लिए। देखिए अखरोट भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये अखरोट लगे हुए हैं। देखिए सब प्रकार के फल मिल जाते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, अगर यहाँ पर मेहनत की जाए तो। तो देखिए अखरोट भी यहाँ पे है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने बाइक के वहाँ पे, जहाँ पे मैं बाइक खड़ी करता हूँ। और देखिए यहाँ पे सूर्य देवता भी अब अस्त होने की तरफ को है। देखिए ऊपर ये देखिए ये सूर्य देवता और अस्त होने की तरफ है सूर्य देवता। ये देखिए यहाँ पर जर्सी गाय है और इसकी बछिया है। और यहाँ पर देखिए हमारे पहाड़ में कुछ इस प्रकार से जो मच्छर लगते हैं ना, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे धुआं लगाया जाता है और मच्छरों को भगाने के लिए कुछ इस प्रकार से धुआं, और देख सकते हैं मेरे ठीक नीचे ये धुआं लगाया गया है और इससे मच्छर बिल्कुल नहीं लगते हैं। और ये देखिए एक गाय गौ माता देख रही है, देखिए इधर को ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं अभी हरीश भाई के घर के वहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, और मेरे साथ हरीश भाई भी हैं। ये देखिए हरीश भाई क्या कहना चाहोगे आज ब्लॉग के माध्यम से, आप यूके ब्लॉगर संजू चैनल पे हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं संजू भाई के चैनल से तो एक सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है सभी को ये सॉन्ग जरूर पसंद आएगा। तो देख सकते हैं साथियों हरीश भाई बोल रहे हैं कि एक आज हिंदी गाना हमारे चैनल के माध्यम से और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सुनाएंगे, क्योंकि मेरे को हरीश भाई रास्ते में मिल गए थे। और रास्ते में जब मैं अभी आपको मैंने बताया था कि मैं मार्केट की तरफ को निकल रहा हूँ, तो रास्ते में हरीश भाई का घर पड़ता है, और हरीश भाई का घर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। तो प्लीज़ पहले आप हरीश भाई के गाने को सुने। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गज्जों के लूटे भी बनाए जाते हैं। ये जो गज्जों के लूटे हैं जानवरों के लिए, कुछ इस प्रकार से घास को इकट्ठा करके एक डंडे में खड़ा करके इस प्रकार से पहाड़ में इसको रखा जाता है, और जो कि बाद में इस घास को जानवरों को खिलाया जा सके। और देखिए यहाँ से नीचे की तरफ को निकल रहा हूँ, और साथ में मैंने अभी आप सभी को दिखाया कि हरीश भाई भी हमारे साथ हैं। तो हरीश भाई के चैनल पे भी आप लोग जाइए, और मैं इनके YouTube चैनल का लिंक अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हरीश भाई क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, और हमारे संजू भाई के चैनल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और मैंने अपने YouTube चैनल पे हरीश चंद्र लेखक नाम से चैनल खोल रखा है, आप उस पर भी मेरे सॉन्ग सुन सकते हैं। आज मैं आप सभी को संजू भाई के चैनल से एक सॉन्ग सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह सॉन्ग जरूर पसंद आएगा। कभी जो भूलना चाहूँ न जाने क्यों मेरे दिल भर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी जो भूलना चाहूँ न जाने क्यों मेरे दिल भर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी सावन के मौसम में अगर गाए कहीं कोयल किसी मेहंदी की टहनी पर न जाने क्यों मेरे दिल भर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
किसी के हाथ से छूटे अगर शीशे का पैमाना, किसी के हाथ से छूटे अगर शीशे का पैमाना, छलक जाए अगर सागर न जाने क्यों मेरे दिलबर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी जो भूलना चाहूँ न जाने क्यों मेरे दिलबर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे क्यों याद आते हो, मुझे क्यों याद आते हो, मुझे क्यों याद आते हो। धन्यवाद दोस्तों। तो देख सकते हैं साथियों, हरीश भाई के द्वारा एक सुंदर गीत आप सभी के बीच रखा गया। तो इसके लिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हरीश भाई का। अपना यूट्यूब में अपना भी चैनल है हरीश चंद्र लेखक, उन्होंने जैसा कि बताया आपको, तो उस चैनल पे भी जाइए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। उस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारे हिंदी गाने और पहाड़ी गाने, आपको कुमाऊनी गाने देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। तो सपोर्ट करें हरीश भाई के चैनल को, और हमारे चैनल पे भी जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं पहाड़ों के लोकेशन के साथ साथ आज एक हिंदी सॉन्ग आप सभी के बीच हरीश भाई के द्वारा गाया गया, तो देख सकते हैं साथियों। और अभी मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि मैं हरीश भाई का घर भी दिखाऊँगा और मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ मार्केट की तरफ को, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। तो देखिए साथियों, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि यहाँ पे हरीश भाई का घर है, ठीक सामने की तरफ देखिए हरीश भाई का घर है, और अब मैं यहाँ से निकलूँगा मार्केट की तरफ को। और देखिए यहाँ के चारों तरफ का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और देखिए ये हरीश भाई का घर। ये देखिए अब मैं आ चुका हूँ मेन सड़क पर, और यहाँ से मैं मार्केट की तरफ को निकल रहा हूँ। देखिए यहाँ से ठीक सामने की तरफ को यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज मुआनी का स्कूल है, जो हमारे गांव का स्कूल है। देख सकते हैं पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमने इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, तो देख सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने की तरफ को प्राथमिक विद्यालय मुआनी, कक्षा 5 तक यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो ये प्राथमिक विद्यालय मुआनी की बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट की तरफ को मैं निकल रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, और कुछ ही दूरी पर मार्केट है। तो साथियों देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं मार्केट की तरफ को निकल रहा हूँ, तो देखिए मार्केट पे यहाँ पे सुनसान है और आज संडे है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पे हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का मार्केट, और देखिए मार्केट पूरी बंद है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।